कोई ऐसा मौका नहीं था जहां पर पूनम सिन्हा भावुक हुई हो बेटी की शादी में। भले ही ये शादी चटमंगनी पट विवाह से भी शॉर्ट टर्म में हुआ, कानूनन तरीके से ये शादी अब देखा जाए तो मान्य है सोनाक्षी और जहीर का, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत इन्होंने रजिस्टर्ड मैरिज किया है। दोनों के साइन के साथ, हस्ताक्षर के साथ गवाहों को मद्देनजर रखते हुए वकील ने उनकी शादी कराई है और दोनों की शादी के बाद वरमाला हुआ। लेकिन हिंदू रिवाज के अनुसार माँ बाप अपनी बेटी का कन्यादान करते हैं और इस कन्यादान के रस्म को पूरा करने के लिए पूनम सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा ने बेटी दामाद को अपने परिचित पंडित से मिलवाया और रजिस्टर्ड मैरिज के बाद कन्यादान का रस्म हुआ। कन्यादान के रस्म वाले मंत्र फूके गए, पंडित ने हाथ धुलवाकर शत्रुघ्न और पूनम सिन्हा के हाथों सोनाक्षी का कन्यादान करवाया और सोनाक्षी का हाथ दामाद जहीर के हाथ में दोनों ही पति पत्नी शत्रुघ्न और पूनम ने दिया। उस वक्त भी शत्रुघ्न काफ़ी भावुक हुए। वरमाला पहनाती हुई सोनाक्षी को भी देखकर शत्रुघ्न अपने आंखों के आंसू नहीं रोक पाए थे, लेकिन पूनम ने दिल को कठोर रखकर अपनी बेटी को विदा किया है। बेटी की विदाई तक भी पूनम ने अपनी आंखों में आंसू नहीं आने दिए। बेटी की खुशी की वजह से पूनम ने भी अपने आप को समझा लिया। बता दें, पूनम ने अपनी बेटी की नई जिंदगी की शुरुआत की फिक्र करते हुए उनके लिए जो है सो ऊपर वाले से आशीर्वाद मांगने के लिए पहले एक पूजा भी रामायणा में कराया था। नेक्स्ट 9 लाइव तृप्ति।